आज इस लेक्चर के माध्यम से हम मार्केशिया के थैलस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन से। मार्केशिया बिलोंग करता है क्लास हिपेटिकॉप्सिना, ऑर्डर मार्केशियस, फैमिली मार्केशियसी, जीनस मार्केशिया। मार्केशिया को क्लास हिपेटिकॉप्सिना में रखा गया है और हिपेटिकॉप्सिना क्लास के जो मेंबर्स हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है यह थैलॉइड भी होती है अथवा फोलियोस भी पाई जाती है। प्लांट बॉडी जो है डॉर्सी वेंट्रल डायकोटोमस की ब्रांच होती है और प्रोस्ट्रेट होती है थैलॉइड प्लांट बॉडी। इनके जो स्पोरोफाइट है यह सिंपल होते हैं, जैसे कि रिक्शिया में यह सिर्फ कैप्सूल से निर्मित होते हैं अथवा यह फूड सीटा और कैप्सूल से भी निर्मित होते हैं। इनमें ये तीनों भी पाए जाते हैं। कैप्सूल में कॉलिमेला पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉलिमेला इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द कैप्सूल रीजन। क्लास हिपेटिकॉप्सिना के अंतर्गत मार्केशिया को ऑर्डर मार्केशियस में रखा गया है और मार्केशियस ऑर्डर की विशेषता है कि इसके जो मेंबर्स हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड पाई जाती है। यह थैलॉइड प्लांट बॉडी ग्रीन प्रोस्ट्रेट डॉर्सी वेंट्रल और डायकोटोमसरी ब्रांच होती है। प्लांट बॉडी में स्केल्स एवं राइजॉइड्स भी उपस्थित होते हैं। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं एवं स्केल्स मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। मार्केशियस ऑर्डर की यह भी विशेषता है कि इनमें जो आर्किगोनियम होता है यह आर्किगोनियम 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से निर्मित होती है। अगर हम थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केशियस ऑर्डर की जो मेंबर्स हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दो स्पष्ट भागों में विभाजित होता है। यह डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन एवं लोअर स्टोरेज रीजन में विभाजित होता है। ऑर्डर मार्केशियस के अंतर्गत मार्केशिया को फैमिली मार्केशियसी में रखा गया है और मार्केशियसी फैमिली की विशेषता है कि इसमें जो मेंबर्स हैं इन मेंबर्स में अधिकतर जो है प्रोस्ट्रेट डॉर्सीवेंट्रल डायकोटोमसली ब्रांच थैलस जो है पाया जाता है। और अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है इस फोटोसिंथेटिक रीजन में एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं और यह एयर चैम्बर्स एयर पोर के माध्यम से बाहरी वातावरण आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। फैमिली मार्केशियसी के अंतर्गत जीनस मार्केशिया। मार्केशिया की करीब 65 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं और भारत में मार्केशिया की करीब 11 स्पीशीज जो है पाई जाती हैं। जो प्रमुख इसकी स्पीशीज हैं वह है मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया पामेटा, मार्केशिया नेपालेंसिस। भारत में मार्केशिया अधिकतर वेस्टर्न हिमालय रीजन्स एवं सदर्न इंडिया के हिली रीजन्स में पाया जाता है। अगर हम इसका आवास हैबिटेट देखें तो मार्केशिया जो है कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस को प्रेफर करता है और यह अधिकतर स्ट्रीम्स के आसपास जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, इनके ऊपर यह ग्रो करता है। गैमेटोफाइट। मार्केशिया की जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है यह ग्रीन कलर की होती है, यह प्रोस्ट्रेट चपटी होती है और यह डायकोटोमसली ब्रांच द्विभाजी शाखित होती है। इस थैलस में जो है स्पष्ट डॉर्सल सरफेस एवं वेंट्रल सरफेस उपस्थित होते हैं। अगर हम इसकी डॉर्सल सरफेस को पास लाके इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन देखें, क्लोज ऑब्जर्वेशन व्यू देखें तो हमें इसकी डॉर्सल सरफेस पे पॉलीगोनल रोमबॉइडल एरियाज दिखाई देते हैं और प्रत्येक पॉलीगोनल और रोमबॉइडल एरिया के ठीक सेंटर में एयर पोर उपस्थित होता है। इस एयर पोर के माध्यम से इनका जो इंटरनल थैलस है यह भारी वातावरण से कनेक्ट होता है और गैसेस एक्सचेंज में यह एयर पोर हेल्पफुल होते हैं। थैलस में सुस्पष्ट मिडरिब रीजन उपस्थित होता है और इस मिडरिब रीजन के ऊपर एक खास तरह के संरचनाएं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम गीमा कप कहते हैं। मार्केशिया की विशेषता है कि मार्केशिया में गीमा कप उपस्थित होते हैं।
यह गीमा कप एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। यह कप नुमा संरचनाएं होती हैं जो थैलस के मिडरिब रीजन पर स्थित होती हैं और इन गीमा कप में गीमा उपस्थित होते हैं। गीमा कायिक जनन में सहायक होते हैं। अगर हम एक गीमा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। गीमा एक स्टॉक्ड बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। इसके मिडल में कंस्ट्रिक्शन जिसे हम नॉच कहते हैं यह उपस्थित होता है और दो नॉच इसके मिडल रीजन में पाई जाती हैं। इन नॉच में इसका एपिकल सेल उपस्थित होता है। यह एक सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग द्वारा कवर रहता है। इसमें जो सेल्स हैं अधिकतर सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। यह अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम है। कुछ कोशिकाओं में ऑयल भी पाया जाता है एवं कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और यह लार्ज साइज होती है। इन्हें हम राइजोइडल सेल कहते हैं। यह राइजोइडल सेल राइजोइड्स का निर्माण करती है। जब यह गीमा इस गीमा कप से सेपरेट होकर सुटेबल सरफेस पर लैंड करते हैं तो यह सुटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेशन के दौरान यह राइजोइडल सेल्स राइजोइड्स का निर्माण करते हैं और इन नॉच में उपस्थित एपिकल सेल वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण करता है। इस गीमा कप में गीमा में दो नॉच उपस्थित हैं और प्रत्येक नॉच में एपिकल सेल उपस्थित होते हैं तो एपिकल सेल नए थैलस का निर्माण करते हैं। दो नॉच हैं इसीलिए दो थैलस का निर्माण होता है। एक गीमा दो थैलस का निर्माण करता है। अगर हम इस माइग्रेशिया के थैलस का वेंट्रल सरफेस देखें तो हम पाते हैं वेंट्रल सरफेस में राइजॉइड्स और स्केल्स उपस्थित हैं। राइजॉइड्स और स्केल्स वाटर एवं मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ ये स्केल्स एवं राइजॉइड्स थैलस की सतह से पकड़ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। यह एक गुड सॉइल बाइंडर है, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। मिडरिब रीजन में जो है राइजॉइड्स उपस्थित होते हैं और मार्केशिया में दो प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एवं ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच स्ट्रक्चर है। यह एक कोशिकीय एवं अशाखित होते हैं। स्मूथ वॉल राइजॉइड्स की आउटर एवं इनर सरफेस स्मूथ होती है इसीलिए इसे स्मूथ वॉल राइजॉइड्स कहा गया है, जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स में जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन है इसमें पैड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसीलिए हम इसे ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स कहते हैं। राइजॉइड्स का प्रमुख कार्य वाटर एवं मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ थैलस की सतह से पकड़ बनाए रखना होता है। वेंट्रल सरफेस में हम देखते हैं कि मिडरिब रीजन के दोनों ओर दो रोज में स्केल्स उपस्थित हैं और स्केल्स दो प्रकार की पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज लिग्युलेट स्केल्स। लिग्युलेट स्केल्स आउटर रो का निर्माण करती हैं और सेकेंड टाइप की जो स्केल्स हैं वह अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं जो इनर रो का निर्माण करती हैं। यह स्केल्स मिडरिब के दोनों ओर पाई जाती हैं। मार्केशिया की कुछ स्पीशीज में स्केल्स फोर रोज में भी पाई जाती हैं। अपेंडिकुलेट और लिग्युलेट स्केल्स जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। यह बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं और यह सिंगल सेल थिक होती हैं। अपेंडिकुलेट स्केल लार्ज साइज की होती है और इस लार्ज साइज अपेंडिकुलेट स्केल के टिप पर एक सब रोटेंट अपेंडेज उपस्थित होता है, जबकि यह अपेंडेज लिग्युलेट स्केल में नहीं पाया जाता इसीलिए लिग्युलेट स्केल स्मॉल साइज की होती है। स्केल्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन एंथोसाइनिन पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण स्केल्स जो है वायलेट कलर की दिखाई देती हैं। स्केल्स का मुख्य कार्य एपिकल नॉच में उपस्थित एपिकल सेल को सुरक्षा प्रदान करना है। स्केल्स इसके साथ साथ मिनरल वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होती है। मार्केशिया में जो थैलस है इसमें सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड नहीं पाए जाते बल्कि एक स्टॉक लाइक रिसेप्टिकल के ऊपर उपस्थित होते हैं। इस स्टॉक को हम गेमिटोफोर कहते हैं।
मार्केशिया एक डायोशियस जो है जीनस है, और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसमें जो गैमेटोफोर होता है, यह गैमेटोफोर जो है स्टॉक एवं पेल्टेड डिस्क से निर्मित होता है। इस स्टॉक और पेल्टेड डिस्क को संयुक्त रूप से कंबाइंड रूप से हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन में उपस्थित स्टॉक एवं इस डिस्क नुमा स्ट्रक्चर को हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। इन डिस्क में ही सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। एंथ्रीडियोफोर में जो ये स्टॉक लाइक रिसेप्टेकल है, इसकी जो साइज होती है करीब 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इस डिस्क में करीब 5 से 8 लोब्स होते हैं, और इन लोब्स में ही एंथ्रीडिया एंथ्रीडियल चैम्बर में पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स जो है मार्केशिया में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया थैलस में एम्बेडेड नहीं होते, बल्कि एक स्टॉक पे उपस्थित डिस्क में पाए जाते हैं। एक डिस्क में जो ये लोब्स हैं, इन लोब्स में एंथ्रीडिया जो है इनमें लोब्स में पाए जाते हैं, जबकि आर्किगोनिया जो है इस अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क के टिप पर पाए जाते हैं, जो बाद में अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क की वृद्धि के कारण नीचे की ओर डाउनवर्डली मूव कर जाते हैं। आर्किगोनिया फोर में जो ये स्टॉक होता है, इसकी साइज एंथ्रीडियो फोर के स्टॉक से बड़ी होती है। अगर हम इस थैलस का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें स्पष्ट फोटोसिंथेटिक एवं स्टोरेज रीजन जो है दिखाई देता है। फोटोसिंथेटिक रीजन जो है फोटोसिंथेटिक चैम्बर से निर्मित होता है। यह देखिए, हमें एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, यह है फोटोसिंथेटिक चैम्बर, और इस फोटोसिंथेटिक चैम्बर में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स उपस्थित हैं, और यह फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ब्रांच भी होते हैं अथवा अनब्रांच भी होते हैं, और यह फोटोसिंथेटिक चैम्बर एयर पोर के द्वारा आउटर एनवायरनमेंट में ओपन होता है। इन एयर पोर्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज भी होता है। इस फोटोसिंथेटिक चैम्बर की जो अपर लेयर है, यह अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे स्टोरेज रीजन पाया जाता है, और स्टोरेज रीजन की जो कोशिकाएं हैं, यह पेरेनकाइमेटस सेल से निर्मित हैं, और कुछ कोशिकाएं जो है स्टोर फोटोसिंथेटिक रीजन द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसको स्टोर करने का कार्य करती हैं। इन स्टोरेज रीजन की कोशिकाओं में स्टार्च एवं प्रोटीन ग्रैनुल्स स्टोर रहते हैं। इसके अलावा इनमें ऑयल भी एज अ रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। स्टोरेज रीजन की लोअर मोस्ट सेल्स जो है लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और इस लोअर एपिडर्मिस से राइजॉइड्स एवं स्केल्स जो है अराइज होते हैं। इसका जो मिडरिब रीजन है, यह थोड़ा सा थिक होता है, और जैसे जैसे हम इसके मार्जिन्स पे आएंगे, यह थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है कम होती चली जाती है। इस तरह हमने देखा कि मार्केशिया का जो थैलस जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, यह थैलॉइड पाई जाती है, इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती। ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं, और यह थैलॉइड प्लांट बॉडी जो है फ्लैट है, प्रोस्ट्रेट है, यह ग्रीन कलर की होती है। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस इसमें पाई जाती है, और यह डायकोटोमसली ब्रांच होती है। इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिब पाई जाती है, और मिडरिब पे गीमा कप उपस्थित होते हैं। इनमें एपिकल नॉच पाई जाती है थैलस में, और एपिकल नॉच में एपिकल सेल उपस्थित होता है जो थैलस की वृद्धि करता है। इस एपिकल सेल को यूटिलाइज कर लिया जाता है सेक्स ऑर्गन्स के निर्माण के दौरान। इसलिए जब थैलस में सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात थैलस की वृद्धि नहीं होती है। मार्केशिया की एक विशेषता है कि इसमें गीमा कप उपस्थित होते हैं, और गीमा कप में गीमा पाए जाते हैं जो कायिक जनन में सहायक होते हैं। मार्केशिया के थैलस में हमने यह भी देखा कि इसमें यूनिसेलुलर एक कोशिकीय अशाखित
राइजॉइड्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन स्केल्स जो है मल्टीसेलुलर पाई जाती हैं। स्केल्स दो प्रकार की पाई जाती हैं। सेक्स ऑर्गन्स थैलस में एम्बेडेड न होकर एक स्टार पे उपस्थित होते हैं, जिसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। मेल गैमेटोफोर को हम एंथ्रिडियोफोर कहते हैं और फीमेल गैमेटोफोर को हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। तो आर्किगोनियोफोर में स्टार्क और यह डिस्क आता है और इस डिस्क में जो है इनके सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। ट्रांसफर सेक्शन में हमने देखा कि स्पष्ट फोटोसिंथेटिक एवं स्टोरेज रीजन उपस्थित होता है और फोटोसिंथेटिक रीजन जो है इसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स कहते हैं, जो एयर पोर के माध्यम से आउटर एनवायरनमेंट में ओपन कनेक्ट होते हैं और इन फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो ब्रांच्ड भी हैं और अनब्रांच्ड भी हैं। इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में उपस्थित क्लोरोफिल पिगमेंट्स के माध्यम से यह अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम है, जो कि यह भोजन स्टोरेज रीजन में उपस्थित कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। स्टोरेज रीजन जो है इसकी लोअर एपिडर्मिस जो है इसकी लोअर सेल्स लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं, जिनसे राइजॉइड्स एवं स्केल्स अराइज होते हैं। इस तरह आज हमने मार्टिनशिया के थैलस स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। धन्यवाद।